वी विल रिप्लाई फॉर इट. एट द सेम मैनर उर्फी के कपड़ों के ऊपर लोगों ने लिख लिख के मुझे कहा कि इसके ऊपर एक्शन लीजिए. ये हमारे देश की संस्कृति का मजाक उड़ा रही है, ये हमारे मुंबई शहर का मजाक उड़ा रही है कि मुंबई में लोग दूर दराज हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं अपने सपने साकार करने के लिए. मुंबई माया नगरी, नो डाउट. आप मुंबई आइए, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आ रहे हैं, आपको अपना काम दिखा के आपको काम हासिल करना है. आपको बॉडी ऑन रोड, मेरा ऑब्जेक्शन था उर्फी जावेद से कि तुम जो अभद्र कपड़े पहन के रोड पे आती हो, इससे मुझे ऑब्जेक्शन है. अगर तुम्हें कुछ करना है तुम अपना स्टूडियो बुक करो और वहां जाके आप करो, व्हाट एवर काइंड ऑफ मॉडल यू आर. लेकिन उसने मेरे जो ऑब्जेक्शन के ऊपर उसने सीधा उठ के मुझे गालियों से नवाजा. वो लाइव आई, उसने अपने इंस्टाग्राम के ऑफिशियल हैंडल से उसने मुझे पोस्ट की गालियां. गालियों में उसने मुझे बिच कहा. तो मुझे ये पूछना है कि मैं किसी एंगल से बिच नजर आती हूँ? मेरा सरकार से प्रश्न है, मेरा आवाम से प्रश्न है. उसने कहा कि मैंने उसे एक कॉल किया था उसकी हेल्प करने के लिए. क्या उसके पास ऐसा कोई कॉल है? तो है तो पिछले 25 दिन से उसने ऐसी कोई कॉल रिकॉर्डिंग क्यों नहीं रिलीज की? एक्चुअली ये लड़की जो काम करती है, उसके काम करने का तरीका आप सब लोग जानते हैं. लोग मीडिया को भी बुरा बोलते हैं कि मीडिया उसको कवर क्यों करती. मीडिया का काम क्या होता है? जो सही हो, गलत हो, सच हो, झूठ हो, जो सामने दिख रहा है उसको कवर करे, दैट्स कॉल्ड मीडिया. मीडिया हकीकत बयान करती है. मीडिया का मतलब ये होता है. मीडिया को लोग गालियां दे रहे हैं कि वो उर्फी को कवर क्यों करते हैं. भाई कोई अच्छे कपड़े पहन के निकलेगी लड़की, अच्छे कपड़े पहन के निकलेगा लड़का, उसको कवर किया जाता है. कोई कपड़े नहीं पहन के निकलता शहर में, उस लिए भी मीडिया कवर करती है. तो मीडिया को ऑब्जेक्शनली रिमार्क करना जनता की तरफ से मेरे हिसाब से एक बात है कि गलत है. जहां तक मैंने कहा कि वो एयरपोर्ट पे पहुंचती है, जहां पे ना उसका डिपार्चर है ना उसका अराइवल है, वो उधर जाके एक रोड शो करती है. तो क्या वो रोड शो करने की गवर्नमेंट ने उसको परमिशन दी? वो हर जगह उतर के वो शो करती है, भले उसका शो 5 मिनट का हो, 25 मिनट का हो, जितना भी उनका टाइम पास वो उधर रोड पे चलता है एयरपोर्ट की प्रमाइसेस पे. क्या उसकी उसने लीगल परमिशन आज तक ली है? उर्फी अभी तक तो मैंने शुरू किया है, तूने मुझे बिच शब्द से नवाजा है. मुझे कॉल्स आ गए कि मैं इसे माफ कर दूं, ये मिलना चाहती है, माफी मांगना चाहती है. इन कॉल्स से मुझे कोई लेना देना नहीं. मैं सिर्फ इतना जानती हूँ जिस तरीके से तूने मुझे गाली दी, मैंने तुझे कपड़े पहनने बोला था मेरी माँ, मैंने तेरे को नंगा घूमने नहीं बोला था कि तुझे मैंने डिफेम कर दिया. तूने मुझे जिस तरीके से डिफेम किया, तूने मेरा अरेस्ट होता हुआ वीडियो जो कि एक झूठे केस में अरेस्ट किया हुआ, अगर वो केस जेन्युइन होते तो शायद मैं अब तक कन्विक्ट हो जाती. लेकिन वो केस जेन्युइन नहीं है, उसके लिए सरकार काम पे लगी हुई है. द वर्क इज गोइंग ऑन. ऐसी कोई चीज नहीं है जो पुलिस स्टेशन में बैठ के तय होती है कि सही है या गलत है. हर चीज जो पुलिस स्टेशन में बनती है, यानी कि मैं बात करूं कंप्लेंट्स की, वो सही है गलत है, उसका फैसला बाकायदा कोर्ट करती. कोर्ट ने अभी तक किसी को अनुमति नहीं दी है कि वो कहीं और बैठ के उसका फैसला करे. इस लड़की ने जो मुझे डिफेम किया उसके अगेंस्ट मैंने डिफेमेशन का केस फाइल किया. मुंबई रफ्तार न्यूज की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें.